गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी वीडियो है बीएससी थर्ड ईयर ज्योलॉजी पेपर सेकंड से लाइट माइक्रोस्कोप। ये सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप है। क्या है? सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप इसको जेनसन 1590 ने डिस्कवर किया था। इनके अकॉर्डिंग इसमें थ्री पार्ट पाए जाते हैं। नंबर वन कंडेंसर, नंबर टू ऑब्जेक्टिव लेंस, नंबर थ्री ऑकुलर लेंस। पहली बात कंडक्सर, ये क्या करता है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करके इसको लाइट को अब्जॉर्ब करके जो स्पेसीमेन जो है पर फोकस करता है। ठीक है, ये क्या करता है? दूसरा, ये इमेज का फॉर्मेशन करके उसे बड़ा करता है। तीसरा ऑकुलर लेंस, ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव लेंस से प्राप्त इमेज थी, जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से प्राप्त जो इमेज थी उसको वेरी लार्ज करता है, बहुत बड़ा कर देता है, जिससे हमारी आंखें देख सकती हैं। तो सबसे पहली बात, ये सबसे सिंपल है माइक्रोस्कोप है। जेनसन 1590 ने इसे डिस्कवर किया था। इसमें तीन पार्ट है, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑकुलर लेंस। कंडेंसर का काम क्या होता है? को जो लाइट आ रही है लेंस में उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसे स्पेसिमेन पर फोकस करता है। दूसरी है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या करता है? इमेज का फॉर्मेशन करता है और उसको क्या करता है? लार्ज करता है। तीसरा है हमारा ऑकुलर लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज आई थी उस इमेज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा, वेरी लार्ज करता है। इसकी बात करते हैं हम, तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसका स्ट्रक्चर जो है वो अधिक डेवलप होता है, इसका स्ट्रक्चर अधिक डेवलप होता है, लेकिन इसकी पावर लिमिटेड होती है। इसका यूज क्या है? लाइट वेव की इस पे लाइट या लाइट वेट की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, ये स्ट्रक्चर इसका डेवलप तो है लेकिन इसकी पावर लिमिटेड है। दूसरा, इसका यूज जो है इस पर डिपेंड करता है, लाइट या लाइट वेट की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? तो लाइट के जो अदर सोर्स हैं जो स्मॉल वेव वाली लाइट भी एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो इसके द्वारा क्या है, जो लाइट के जो अदर सोर्स हैं उनके थ्रू जो स्मॉल वेव वाली लाइट आ रही है उसको भी इसके द्वारा क्या करा जा सकता है? ऑब्जॉर्ब की जा सकती है और इसका इंक्रीजमेंट भी किया जा सकता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, इसका इंक्रीजमेंट भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 0.2 μ कम से कम डिफरेंस पर स्थित टू डिफरेंट सब्सटेंस या स्पॉट को इसके द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता।
तो इसका यूज कहाँ है कि ये लाइट जो अदर सोर्स है लाइट के, लाइट के अदर सोर्स के थ्रू जो स्मॉल वेव है, वेव लाइट है, उसको ये अब्सॉर्ब कर सकता है, उसको इंक्रीमेंट कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन 0.2 म्यू से कम डिफरेंस पर जो स्थित है दो डिफरेंट, दो अलग अलग सब्सटेंस हों या स्पॉट हों, उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।